हेलो गाइस, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस वेब डोमेन जिसका नाम देख रहे थे HTML। और आज हम इसके अंदर देखने वाले हैं HTML का जो जो लेक्चर है वो है 8, जो इसमें हम जिसमें हम आज सीखेंगे HTML टेबल स्टैक के बारे में। ठीक है, तो आज जो हम टेबल टैग्स जो देखने वाले हैं वो कुछ टैग्स ये हैं। ठीक है, जिसमें से ये जो हमारा है मेन टैग है, जो हमारा टेबल है। ठीक है, और इसके बाद में सब मतलब ये जितने भी टैग्स हैं उन सभी टैग्स का ये मेन टैग है। ठीक है, और उसके बाद में ये जो है ये क्या होता है, ये फर्स्ट मतलब पेरेंट आप टैग कह सकते हो। ठीक है ना, तो ये मतलब इन सब के मतलब ये और ये जितने भी है सभी टेबल के चाइल्ड टैग्स हैं। ठीक है, तो आप ऐसा करते हैं इनके बारे में साथ ही देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम टेबल के बारे में देख लेते हैं और जो भी लिखने का मैटर है आपको। ठीक है, हम नोट्स बनाने के लिए तो वो आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद पूरा प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल से ज़्यादा समझ में आता है। तो पहला है टेबल टेक। ठीक है, जो टेबल टेक क्या कहता है, तो टेबल टेक इज यूज टू डिस्प्ले डाटा टेबल फॉर्म एंड रो एंड कॉलम। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये बात है, टेबल टेक क्या करता है वो अपने जो डाटा को रो और कॉलम के रूप में ठीक है लगा मतलब बना देता है, एकदम रो और कॉलम के रूप में एडजस्ट कर देता है। ठीक है, या बना देता है। ठीक है, और देर कैन बी मैनी कॉलम्स इन रो। ठीक है, तो एक रो में कितने भी कॉलम हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक कॉलम में कितनी भी रो नहीं हो सकती। ठीक है, एंड वी कैन क्रिएट ए टेबल टू डिस्प्ले डाटा इन टेबल फॉर्म। ठीक है, यूजिंग टेबल। ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ द जो आप इनके हेल्प से बनाते हैं, जो TR, TDN, TH के एलिमेंट्स के, तो ये वाले हमारे बेसिक टैग्स ही होते हैं। ठीक है, और इसके और भी जैसे आपने उसमें बताया था, जैसे मैं आप बता ही चुका हूँ, जैसे एक ये जो फूटर जैसे होता है टी फूटर लिखा होता है। ठीक है, तो टी फूटर क्या होता है, फूटर सेक्शन का काम करता है, और वो जो टी बॉडी होती है ना तो वो कनेक्ट बॉडी कंटेन को करती है करना। ठीक है, और हेड सेक्शन और नेविगेशन। ठीक है, तो ये वाला अपना पेज, अब अपने पहले इसको देख लेते हैं अपने जो कि है अपना कौन सा है। पहले इनके एट्रीब्यूट्स के बारे में देखते हैं, उसके बाद हम टी आर टेक के बारे में देखते हैं। तो पहला हमारा जो है टेबल टैग है उसका एट्रीब्यूट्स है। ठीक है, जिसमें देखेंगे अलाइनमेंट। ठीक है, फिर बीजी कलर देखेंगे, बॉर्डर। ठीक है, और जो पैडिंग एंड स्पेसिंग। ठीक है, समरी वगैरह इनका हम देखेंगे, जो फ्रेम्स है और रूल्स के बारे में हम देखेंगे। उसके बाद में जो हमारा स्टार्ट है जो ये है हमारा टेबल रो। ठीक है, ये जो टैग होता है ये हमारी एक रो को कवर कर, एक अपने जिस कह सकते हैं इसको, ये एक रो को ना डिफाइन करता है। ठीक है, एक रो को डिफाइन करता है। ठीक है, तो अभी आप उसके और कुछ भी नहीं करते। ठीक है, एक सेल बना देते, एक सिंगल, और ये एक रो होती है, इसमें कितने भी कॉलम बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो कितने भी कॉलम हो सकते हैं। ठीक है, और ये ऑफ कोर्स बात है कि ये भी चाइल्ड होती है। ठीक है, ये भी चाइल्ड क्लास होती है, लेकिन ये देखो चाइल्ड क्लास होती है टेबल की, चाइल्ड क्लास होती है, लेकिन उसके बाद में ये जो होती है इसकी जो टेबल हेड या बॉडी या फूटर टी और टी फूटर होता है। ठीक है, उनकी क्या कैसी क्लास होती है, नेस्ट। ठीक है, नेस्ट फूट जो नेस्ट चाइल्ड क्लास होती है। ठीक है, अब इनको लगाओगे तो भी काम वर्क करता है, और नहीं लगाते इनको तो भी वर्क करता है। ठीक है, इसलिए इसको नेस्ट क्लास बोलते, जो नेस्ट चाइल्ड क्लास जो टैग्स होते हैं वो बोलते हैं। ठीक है, या एलिमेंट बोलते हैं, या बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसके हम एट्रीब्यूट्स के बाद, तो एट्रीब्यूट्स हम जो देखेंगे वो होता है एक तो अलाइन, और बीजी कलर देखेंगे, और वी अलाइन देखेंगे। ठीक है, अब हम जो केयर और केयर ऑफ को हम नहीं देख, हालांकि ये होते थे क्योंकि ये अभी है नहीं HTML5 के अंदर, ये अवेलेबल नहीं है, और ये किसी भी ब्राउजर पे वर्क भी नहीं कर रहे। ठीक है, तो हम इनको नहीं देखने वाले। ठीक है, क्योंकि ये वर्क ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो किसी भी मतलब किसी भी ब्राउजर पे वर्क नहीं कर रहे, तो इसलिए कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो हम इसको नहीं देख रहे। इसके बाद में वो आता है टेबल डेटा। ठीक है, तो टेबल डेटा, अब टेबल डेटा ये क्या कहता है, ये अपने क्या कहता है, अपनी जो रो है रो के अंदर एक कॉलम बनाता है। ठीक है, एक ये एक कॉलम को देती है, उस कॉलम के अंदर क्या कहता है अपने डेटा को इंस्टॉल करता रहता है। ठीक है, अपने जो भी हमारा जो डेटा, उस डेटा को ये इंस्टॉल करना, या बोलो ये बोलो ये डेटा को कंटेन करता है। ठीक है, तो टेबल के अंदर क्या कहता है, इससे डाटा हम कंटेन करते हैं। ठीक है, तो ये टेबल, इसलिए इसका नाम टेबल डेटा के हिसाब से नाम रखा जाता है। ठीक है, और आप और इसमें जो बाय डिफॉल्ट है दिया लाइन जो क्या होता है लेफ्ट ही रहता है। ठीक है, उसके बाद में इसके जो एट्रीब्यूट्स है वो देखेंगे, जैसे कि अलाइंस होती है और एक्सिस होती है। एक्सिस में ज्यादातर हम उसकी कैटेगरी ही देते हैं। ठीक है,
तो ये कैटेगरी ही होती है वैसे, एक्सेस जो इसमें एक्सेस देते हैं, ऐसा नहीं है कि एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस देते हैं, ऐसा नहीं है, इसमें हम कैटेगरी देते हैं, ठीक है। इसके अलावा बीजी कलर जो, इसका बैकग्राउंड कलर देना, ठीक है, जो भी कलर देंगे, उसके बाद कॉल स्पैन, विड्थ और हाइट वगैरह, और इनके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। ये तो हम देखेंगे नहीं क्योंकि ये वर्क नहीं करते, ठीक है। इसके बाद में हम देखने वाले हैं टेबल हेड के बारे में, ठीक है, जो टेबल हेडर है, सॉरी, ठीक है। तो टेबल हेडर क्या करता है? टेबल हेडर दो तरीके में, दो प्रकार का, दो टाइप्स होते हैं, ठीक है, जिसमें आप ये कह सकते हो कि एक तो ये होता है जो हेडर होता है उसकी इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है, जो हेडर, जैसे नेम, जो हम बोल सकते हैं जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है, एंड फादर्स नेम एंड मिनिमम, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो वो क्या होती है? तो वो जो हम लिख रहे हैं, तो वो नाम क्या हो जाएगा? तो वो हो जाती है हेड इन्फॉर्मेशन। और डेटा, डेटा जैसे मैंने अपना ले फर्स्ट नेम ले लिया खेलेंद्र, और मैंने लास्ट नेम उसमें लिख दिया क्या होता है, प्रसाद, जो खेलेंद्र प्रसाद लिखा है वो क्या है? एज अ डेटा। तो आप एक डेटा सेल भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे डेटा सेल के रूप में भी यूज कर सकते हो, और आप हेड इन्फॉर्मेशन के रूप में भी हम यूज करते हैं, ठीक है। हालांकि हम टेबल डेटा से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये होता ही हो कि ये बाय डिफॉल्ट लिए हेडर की तरह यूज, मतलब कि हेडर की तरह शो करता है, जैसे इसमें बाय डिफॉल्ट लिए एक तो बोल्ड होता है, ठीक है, ये तो बाय डिफॉल्ट बोल्ड होता है, और ये सेंटर्ड होता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली सेंटर आता है, ठीक है। जो भी अपना कंटेंट, जो भी अपना डेटा होगा वो सेंटर में आएगा, और इसके अलावा बोल्ड होके आएगा, ठीक है। तो ये हमारी वैसे होता है, ठीक है। तो हमारी ये टैग जो है ना, तो हमारे हेडर को दर्शाता है, ठीक है। इसके बाद में इसके एट्रीब्यूट्स को देखेंगे हम, जो कि एट्रीब्यूट्स भी जो टेबल डेटा के वो जो इसके भी डेटा के जो सेम ही है, ठीक है। तो आइए अब हम इसका क्या करते हैं, तो हम इसका ऐसा करते हैं कि एक बार के लिए हम क्या कर लेते हैं, तो चलते हैं हमारे एडिटर पे, और एडिटर पे चल के अपन क्या करते हैं, इसको हम बनाते हैं, ठीक है। तो हम क्या बनाते हैं, एक बार हम बनाते हैं यहाँ पे एक टेबल टेक, जो टेबल टेक लगा लेते हैं, ठीक है। और जो टेबल टेक है हमने बना लिया, ठीक है, इसको हम क्लोज भी कर लेते हैं, ठीक है, साथ ही साथ हम क्लोज भी करते चलेंगे, ठीक है। और इसके बाद में हम यहाँ पे इसको, इसमें जैसे कि फर्स्ट हमारी एक रो बनानी है, तो टेबल रो बनानी है, ठीक है, तो टेबल रो बना लेते हैं, ठीक है। अब इसमें टेबल रो बनाते हैं, तो इसमें क्या लिखते हैं, इसमें लिखते हैं हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं नेम, ठीक है, सॉरी, पहले हम इसमें टी आर बना दिए, तो इसको पहले क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। तो टेबल रो को हम पहले क्लोज कर लेते हैं, और इसके बाद में हम क्या करते हैं, एक हम बनाते हैं यहाँ पे टेबल हेड, हेड सॉरी हेडर, ठीक है, तो टेबल हेडर बना लेते हैं, और इसके अंदर हम लिखते हैं, ठीक है, और इसके बाद में हम इसको क्लोज भी कर लेते हैं, और उसको बाद में यहाँ पे लिखते हैं टेबल हेडर, एंड इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम लिखते हैं जो डेटा, अपने नेम लिखना चाहते हैं, तो ठीक है, तो हमने नेम लिख लिया, ठीक है। और इसके बाद में हमने क्या कर लिया, इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, इसमें लिखते हैं, तो हम ऐसे करते हैं सब्जेक्ट्स लिख लेते हैं, ठीक है, एक सब्जेक्ट्स लिख लेते हैं, तो सब्जेक्ट्स जो भी है, ठीक है, तो हम सब्जेक्ट्स लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार डुप्लीकेट कर लेते हैं, 1, 2 एंड 3, तो एक मिनट, मैंने इसको शायद क्लोज नहीं किया, तो उसे भी क्लोज कर लेते हैं, और क्लोज कर लेते हैं, इसे भी क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, नेम तो नेम ही सही है, और इसके बाद में हम इसको क्या करते हैं, नेम अब इसमें देते हैं सब्जेक्ट, जैसे कि हम क्या देते हैं, एक बार के लिए देते हैं, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है, ठीक है, एंड हम एक ऐसा कहते हैं यहाँ पे मैथ देते हैं, ठीक है, ठीक है। इसके बाद में हम एक और यहाँ पे एक और करेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एक और यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेते हैं, यहाँ पे इसको दे देते हैं टोटल, ठीक है, तो यहाँ पे देते हैं टोटल, ठीक है, तो टोटल हो गया, ठीक है। तो अब अपन इसको टोटल कर लेते हैं, ठीक है। अब अपन ये क्या करते हैं, इसको हम इसको मान लेते हैं पूरा का पूरा हम डुप्लीकेट, तो 3 टाइम 3 टाइम मान लेते हैं, ठीक है, 3 टाइम चाहिए, ठीक है, बहुत है 3 टाइम।
और हमने जैसे डुप्लीकेट किया है कंट्रोल और डी से, ठीक है। इसके अलावा अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें हम क्या कर देते हैं, इसमें ये डेटा वन है, ठीक है, और इसके अंदर हम दे देते हैं नेम, ठीक है, तो खेलेंद्र, ठीक है, और जैसे पूरा नाम दे देते हैं लो खेलेंद्र, ठीक है, वैसे नेम ही दे देते वो होता है, ठीक है। एंड जैसे ऑफकोर्स ही बात है कि इसमें हम क्या लिखेंगे, तो इसमें हम मार्क्स लिखेंगे, ठीक है, तो जैसे हिंदी है, सॉरी पहले इंग्लिश है, तो इंग्लिश में हमने दे देते हैं तो 66 67 दे देते हैं, ठीक है। और इसके बाद में हम जैसे कि हिंदी में है तो हिंदी में दे देते हैं, ठीक है। एंड जो मैथ है उसमें दे देते हैं, ठीक है। और इसके बाद में जो टोटल है, ठीक है, तो इनको टोटल कर लेते हैं, ठीक है, तो इनका जो टोटल है तो वो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, तो कितने हो गए, तो पहले इसको क्लोज कर लेते हैं और इनका हमारा जो टोटल है वो लिख लेते हैं, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, तो इसमें हो गया, एंड हम यहाँ पे क्या करते हैं इसको हटा देते हैं और इसके बाद में यहाँ पे लिख देते हैं 2, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम नेम लिख देते हैं सोनू लिख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। एंड इंग्लिश में मार्क्स लिख लेते हैं, ठीक है, 78, ठीक है, एंड 90 ज्यादा हो गया आई थिंक सो, ठीक है, तो 76, ठीक है। एंड मैथ्स में तो हम मैथ्स में मान लेते हैं 90, ठीक है, और इसका भी हम टोटल लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसका टोटल देखते हैं टोटल कितना है, तो हम इसका टोटल कितना हो गया, तो उसका हो गया आई थिंक सो 244, ठीक है। एंड हम थर्ड भी लिख लेते हैं, ठीक है, और इसमें लिखते हैं थर्ड, ठीक है, और आई थिंक सो दिख रहा होगा आपको, ठीक है, तो हम बड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको, ठीक है। एंड इसमें नेम लिख लेते हैं, तो इसमें नेम क्या लिखते हैं, इसमें लिखते हैं, ठीक है, और इसमें लिख देते हैं, इसमें लिखते हैं 79, ठीक है, एंड इसमें लिखते हैं 78 लिख देते हैं, 78 लिखते हैं, ठीक है, और इसमें लिख देते हैं, इसमें कितने लिखते हैं, ठीक है, तो इसमें लिखते हैं 87, ठीक है, और आई थिंक सो इसका टोटल होगा 244, ठीक है। तो ऐसा अगर थोड़ा डिफरेंट रख लेते हैं तो 88 कर देते हैं, ठीक है, तो इसको कर देते हैं 45, ठीक है। इसके बाद ये हो गया, हम इसको हम कर लेते हैं सेव, ठीक है, और हम इसको देखते हैं अपने ब्राउजर पे, ठीक है, तो अपने ब्राउजर पे चलते हैं और इसे हम क्या करते हैं रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, तो आई थिंक सो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, नहीं तो हम क्या करते हैं इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है, जूम हो गया अपना और इसको देख पा रहे हो गया आप, ठीक है, तो ये हो गया अपने जो कैसे आ रहा है एकदम सेंटर में आ रहे हैं, ठीक है, क्यों ये सेंटर में आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये हम सबने हेड बनाया जो TH में लिखा है तो इसलिए आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, तो हमें फाइंड करना है, ठीक है, तो रिप्लेस भी करना है, तो जहां पे हमें क्या करना है, तो रिप्लेस करना है जहां पे TH है, ठीक है,
हम ऐसा करते हैं, जो यहाँ पे TH है तो हमें इसको क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है TD से, ठीक है, और फाइंड करो रिप्लेस को, ठीक है। तो रिप्लेस ठीक है, तो ऐसे हम रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसमें हम ये भी लगा देते हैं और इसको भी हम क्लोज कर लेते हैं, ठीक है, और इसे फाइंड करते हैं, रिप्लेस करते हैं, ठीक है, हो गया रिप्लेस। इसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पे तो हमें ये TH में चाहिए, कुछ सी बात है, यहाँ पे टेबल हेडर, ठीक है, और इसको भी हम TH कर लेते हैं, इसे TH TH रिप्लेस कर लेते हैं TH से, ठीक है। एच ठीक है, जिसे हम करते हैं सेव, ठीक है। अब आपको दिखेगा हमने पहले सेंटर में आ रहा था, क्यों, बाय डिफॉल्ट एक तो बोल्ड आ रहा था और एक सेंटर में आ रहा था, अब सेंटर में नहीं आएगा, ठीक है, और ना ही बोल्ड आएगा बाय डिफॉल्ट। ये देखो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट आ गया, ठीक है, और ये बाकी ये सेंटर में ही है, ठीक है, तो ये सेंटर में होता है ऑलरेडी, ऑटोमेटिकली सेंटर में, ठीक है। तो इस पे अगर हम अलाइनमेंट लगाते भी हैं तो भी कोई मतलब की नहीं है, ठीक है, चाहो तो इस पे अलाइनमेंट लगा सकते हो, लेकिन इस पे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, इस पे आते हैं और जो हमारा पहला है वो है अलाइनमेंट लगाते हैं, ठीक है। जो अलाइनमेंट हम लगाते हैं वो लगाते हैं हम सेंटर, ठीक है, ठीक है। अब इसमें अलाइन कौन कौन से लगा सकते हो, पहली बात, आप इसमें अलाइनमेंट जो लगा सकते हो वो होता है लेफ्ट राइट एंड सेंटर, ठीक है। लेकिन इसके अलावा और दो और होते हैं, वो भी होते हैं केयर और जस्टिफाई, लेकिन अपन क्या होता है कि अभी हम उनको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। रीजन क्यों, क्योंकि वो जैसे जो हमने केयर ऑफ देखा था वो अभी वर्क नहीं करते, ठीक है। इसके बाद में इसको हमने सेंटर में ले लिया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम करते हैं बॉर्डर, हमें बॉर्डर चाहिए, कि हमें एक यहाँ पे बॉर्डर तो चाहिए चाहिए, तो हमें लिखते हैं बॉर्डर, ठीक है। तो हमने बॉर्डर लिख दी, तो हम बॉर्डर हमेशा उन्हें न्यूमेरिकल वे में दे सकते हैं, ठीक है। अब जितने जो हमारे सेल्स आ रहे हैं उन सेल्स में हम थोड़ी सी स्पेसिंग और थोड़ी सी पैडिंग चाहिए, तो हम क्या करते हैं सेल पैडिंग, ठीक है, तो सेल पैडिंग हम दे देते हैं 12, ठीक है, और सेल स्पेसिंग भी देते हैं, ठीक है, तो सेल हम थोड़ी बहुत स्पेसिंग भी कर देते हैं और इसको भी दे देते हैं हम 12 पिक्सल, ठीक है। इसके अलावा अब हमें क्या चाहिए, हमें थोड़ा सा उसका चाहिए बैकग्राउंड कलर, ठीक है, तो हमें इसका बैकग्राउंड भी कलर चेंज कर देते हैं, तो क्या कहते हैं BG और कॉलर कर देते हैं, ठीक है, तो BG कलर, ठीक है, इसको हमने कर दिया, और इसको हम क्या कर देते हैं, हमने इसको कलर दे दिया ये वाला, ठीक है, अच्छा लगेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, तो हमने कलर दे दिया, बॉर्डर दे दी, ठीक है, सेल स्पेसिंग दे दी, और अब इसमें देते हैं विद, ठीक है, एक विद भी दे देते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा विद, ठीक है। तो इसमें विद दे देते हैं, तो हमने कहते हैं, तो इसमें आपके हम पिक्सल में दे रहे हैं, ठीक है, चाहे तो आप EM में भी दे सकते हैं और चाहे तो आप रैम में भी दे सकते हो, एज योर विश, ठीक है। तो हमने इसमें दे दी, अब इसको हम देखते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको आते हैं और रिफ्रेश मारते हैं, ठीक है, ओ आई थिंक सो ये नहीं दिया, ठीक है, इसको सेंटर में कर लेते हैं, तो आई थिंक सो अभी आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये सेंटर में आ गया, ठीक है, ये देखो आप यहाँ पे दिख पा रहा होगा ये सेंटर में है, ठीक है, क्योंकि हमने इसके अलाइनमेंट हमने सेंटर दी है और इसकी थोड़ी जो विद है थोड़ी बढ़ गई है, ठीक है, इसकी जो विद है ये वाली, ठीक है, तो ये विद वाली थोड़ी विद बढ़ गई है और आपको ये देखना है तो लुकिंग गॉर्जियस लग रहा है, ठीक है, गॉर्जियस, और आपको अच्छे से दिख पा रहा होगा, ठीक है, जैसे हम एक टेबल बना पाते हैं, ठीक है, तो हमने एक टेबल बना ली, ठीक है। अब इसको हम
इसमें इस बात में आप लोग क्या करते हैं, एक फ्रेम और रूल्स देखते हैं, क्योंकि हम दो ही रूल, अब दो ही चीजें बची हैं, एक बची है अपनी फ्रेम और रूल, क्योंकि इससे तो हमारे अलाइनमेंट है कि जो सेंटर में दिख रहा है इसकी वजह से हमें बॉर्डर दिख रही है, ठीक है। और इसमें जो स्पेसिंग आपको दिख रही है, और सेल स्पेसिंग और पैडिंग आपको जो दिख रही है वो उनकी वजह से दिख रही है, और कलर जो आपको दिखा तो कलर यहाँ से कलर आया, और उसके बाद में विद हमारे से यहाँ से चली गई, ठीक है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि अगर बॉर्डर अगर हमने ज्यादा दे देते हैं, बॉर्डर अगर हमने ज्यादा दी तो क्या होता है, तो सपोज हमने यहाँ पर बॉर्डर दे दी 90, ठीक है, तो मैंने एंटर मार दिया, तो आप देख पा रहे होंगे, तो बॉर्डर जैसे मैंने 90 दी यानी 90 दे दी, तो यहाँ की जो बॉर्डर की जो लेंथ है, ठीक है, साइज है, तो वो बढ़ गई, ठीक है, उसकी जो बॉर्डर की जो साइज है वो बढ़ गई है, तो हमें इतना नहीं चाहिए, तो हमें जो हमें जो बॉर्डर चाहिए वो बॉर्डर हमें कितनी चाहिए, बॉर्डर तो हमें कितनी चाहिए, 1 ही चाहिए, ठीक है। आप इसे चाहो तो एक 1 पिक्सल भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उतनी ही होती है, देखा जाती है 1 पिक्सल ही है, ठीक है, और सॉलिड है, ठीक है। इसके बाद में हम इनके बारे में देखते हैं, जो उसके अंदर है वो है फ्रेम, ठीक है, तो हम लगाते हैं फ्रेम। तो इसमें फ्रेम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्रेम्स, जैसे कि आप पूरा पूरा बॉक्स ले सकते हो, ठीक है, ठीक है, तो आप चाहो तो आप कि मैं बॉक्स चाहिए तो आप बॉक्स ले सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप फ्रेम दे सकते हो बॉक्स, ठीक है, तो ये बॉक्स में आ जाएगा, इसको हम सेव कर लेते हैं, ठीक है, सेव कर लेते हैं, सेव, ठीक है, और हम चलते हैं अपने ब्राउजर पे, ठीक है, हम ज्यादा नहीं बनाएंगे, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, तो अभी आप देख रहे होंगे ये एक बॉक्स आ गया, ठीक है, चलो बना ही लेते हैं, ठीक है, कोई क्या दिक्कत है, ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं इसको बना ही लेते हैं, इसको डुप्लीकेट करते हैं, ठीक है, और इसके 3 बार डुप्लीकेट करेंगे, ज्यादा नहीं, 3 बार, ठीक है, तो मैंने इसको करता हूँ और डुप्लीकेट करता हूँ 3 टाइम, ठीक है, कंट्रोल डी फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, हो गया 3 बार, टोटल 3 हो गई है, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, साथ ही साथ हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे एक BR टैग लगा देते जस्ट फॉर स्पेसिंग के लिए, ताकि हमें पता रहे कि क्या है, ठीक है, स्पेसिंग के लिए हम BR टैग लगा देते हैं, और सिमिलरली एक नीचे भी लगा देते हैं ताकि पता रहे हमें कि ये डिफरेंट में कोई डिफरेंस पता चलता रहे, ठीक है, तो डिफरेंस हमें पता रहे इसके लिए हमने लगा दिया, ठीक है। और इसके बाद में हमने यहाँ पे एक लगा देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं H साइड, ठीक है, ठीक है, H साइड्स लिखेंगे, क्योंकि एक तो होती नहीं है तो दो होती है, तो बताऊंगा कैसे कि इन दो साइड्स को लगाते हैं, ठीक है, हमने H लगा दी, एक होती है वर्टिकल, ठीक है, तो वर्टिकल साइज, ठीक है, उसको हम सेव कर लेते हैं और वापस हम चलते हैं अपने ब्राउजर की ओर, ठीक है, और रिफ्रेश मारते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, इसको हमने वर्टिकली लाइन दी तो वर्टिकली साइड आ गए, मैंने साइड्स बोला था, ठीक है, तो एस लगाया था इसलिए वर्टिकल साइड में आया, ठीक है। और ये हमने क्या किया, इसको हमने हॉरिजॉन्टल दिया था, एच साइड्स दी थी तो हॉरिजॉन्टली लाइन आ रही है, ठीक है, और इसको हमने बॉक्स दिया तो ये पूरा बॉक्स आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको ये चाहिए कि मैं तो लेफ्ट में एक ही लाइन चाहिए, जैसे क्या होगा एल, तो लेफ्ट में चाहिए तो जैसे LHS लिख दो, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, और इसके अंदर आप चाहो तो RHS लिख दो, ठीक है, तो आप RHS लिख सकते हो, सेव कर सकते हो, ठीक है, तो आप रिफ्रेश मार सकते हो, तो इसमें देखो ये LHS आ गया या RHS आ गया, ठीक है, ये इसका काम होता है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं बिलो, है ना, बिलो चाहता हूँ, तो आप बिलो भी ले सकते हैं, ठीक है, और अभाव चाहते हो, ठीक है, अगर आप बिलो लो, अब कौन सी बात है, अगर बिलो लोगे तो बिलो नीचे आएगा और अबाव है तो ऊपर आ जाएगा, ठीक है, अगर अबाव दे सकते हो, मैंने आपको बताया हुआ, उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने आपको जैसे वो PPT दिखाई, उसमें दिखाई थी उसके अंदर था, ठीक है, तो अबाव है, और उसके अलावा जो होता है कौन सा होता है, बिलो होता है, ठीक है, तो हम ये यूज करते हैं, इसके अलावा और कुछ कुछ है नहीं, ठीक है, बिलो और ये, और इसके बाद में आप एक और यूज होता है, वो होता है नन, जो बाय डिफॉल्ट नन ही होता है, ठीक है, तो इसका काम हो गया है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके बाद में एक और है, वो है हमारा रूल्स, ठीक है, एक रूल्स बाकी है,
इसके बाद में उसको हम हटा देंगे, ठीक है। एक बचा है हमारा रूल्स, ठीक है। एक रूल्स होता है, ठीक है। अब रूल्स में हम क्या लिखते हैं, ये सबसे लास्ट वाला आई थिंक सो, ठीक है। तो लास्ट वाला है तो हम क्या करते हैं इसको, हम लास्ट वाला है इसलिए हम इसको देते हैं रोज दे देते हैं, ठीक है। तो ROWS, ठीक है, रोज साइड, ठीक है। रूल्स में हम इसको दे देते हैं रोज, ठीक है। इसमें हम ये दे सकते हैं, एक तो रोज कॉल्स एंड ग्रुप, जो मतलब कि कॉल ग्रुप्स, ठीक है। अगर कॉल्स कॉलम्स है तो कॉल ग्रुप देना पड़ेगा आपको, ठीक है। और उसके बाद में नन होता है, ठीक है, जिसमें आपको मतलब नहीं है, ठीक है। तो वो बाय डिफॉल्ट नन ही होता है, ठीक है। तो हमने उसको दे दिया रोज, तो इसको देते हैं कॉल्स, ठीक है। तो ऐसा करते, मैंने यहाँ पे रूल्स नहीं लिखा, ठीक है, रूल्स लिख दिया। और इस पे जो हम रूल्स लगाएंगे वो लगाएंगे ऑल, ठीक है, ठीक है। तो इस पे हम जो रूल्स लगाएंगे वो लगाएंगे ऑल, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं सेव, ठीक है। एंड अपने ब्राउजर पे चलते हैं और इसको हम करते हैं रिफ्रेश। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने इसको जैसे ऑल दिया, ठीक है। तो इस पे सभी पे आ रहा है, तो वर्टिकली भी आ रही है और हॉरिजॉन्टली लाइन भी आ रही है, ठीक है। और मतलब एकदम सेपरेट कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, ये वर्टिकली कर रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली नहीं, ठीक है। तो इसमें हॉरिजॉन्टली कर रहा है, इसमें वर्टिकली लाइन का सेपरेट कर रहा है, ठीक है, लेकिन सेपरेट कर रहा है, ठीक है। तो यही इसमें काम होता है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है टेबल टेक है, यहाँ पे काम हमारा हो जाता है खत्म, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, तो अब हमारा जो है टी आर टेग, ठीक है, एक हमारा बचा है जो टी आर टेग है, और टेबल डेटा, ठीक है, टी आर टेग और टेबल डेटा है, ठीक है। यानी आप कह सकते हो, ठीक है, टेबल हेड और जो टी डी है वो सिमिलर टैग ही है। तो मतलब जो भी टैग हम इसमें यूज करते हैं वो हम टैग इसमें भी यूज कर, बस वो जो हम एट्रीब्यूट इसमें यूज करते हैं वो एट्रीब्यूट हम इनमें भी यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप इसमें आप यूज कर सकते हो इसमें अलाइनमेंट, तो आप इसमें अलाइनमेंट यूज करोगे तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये बाई डिफॉल्ट अलाइनमेंट सेंटर ही है। लेकिन हाँ, चाहो तो मैं ये यूज करके दिखा सकता हूँ आपको, चाहे तो यहाँ पे अलाइन करता हूँ, ठीक है। और इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ लेफ्ट, ठीक है, आपको लेफ्ट कर देता या राइट कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं राइट कर देता हूँ और इसको मैं सेंटर कर देता हूँ, क्योंकि ये सेंटर में नहीं आता, बाय डिफॉल्ट ही लेफ्ट में है, ठीक है। तो इसमें हम सेंटर करते हैं, तो ठीक है, तो हम इसको मैं कर देता हूँ सेंटर में, ठीक है, सेंटर, ठीक है। तो आप इसको, आपको मैं यूज करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको 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 इफेक्ट दिख जाएंगे आपको। तो देखो ये एक्चुअली राइट में, ठीक है, सारे राइट में आ गए, एक्चुअली राइट में आ चुके हैं। अगर आपको विजुअल नहीं है तो आपको ऐसा करता हूँ, विजुअल बना देते हैं इसको, ठीक है। तो विजुअल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं बॉर्डर, ठीक है, ठीक है, और बॉर्डर लिख देते हैं 1 pixels, ठीक है। और इसको देते हैं हम क्या देते हैं, विड्थ दे देते हैं एक, ठीक है। तो विड्थ भी हमने दे देते हैं, ठीक है। तो हम क्या देते हैं विड्थ, इसको कितने दें, वही 500 pixels दे देते हैं, ठीक है। अब आपको इसका इफेक्ट आपको दिख जाएगा, ये देखो दिख रहा है राइट में, ठीक है, ये राइट में आ चुके हैं, सब के सब राइट में, और ये जितने भी डेटा थे ये सारे के सारे सेंटर में आ चुके हैं, ठीक है। मैंने इन दो पे लगाई थी तो इन दो पे सेंटर में आ चुके हैं। इसके अलावा हमें इसके लिए एक और जो चीज है वो होता है वी अलाइन, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें हाइट देनी पड़ेगी उसके लिए, ठीक है। उसको उसका जो इफेक्ट देखने के लिए हमें इसे हाइट देनी पड़ेगी, और हाइट देते हैं इसमें 700 pixel, ठीक है, 700 pixel बहुत है, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं, और अब यहाँ पे क्या करते हैं,
ऐसा करते हैं इसी में देखे दे लेते हैं, यहाँ पे एक मैं वी लिख देता हूँ, केवल वी, ठीक है। तो यहाँ पे वी लिख लेता हूँ, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, राइट लेफ्ट ये नहीं होता, ठीक है। इसमें होता है, इसमें होता है यहाँ पे दे देते हैं टॉप, ठीक है। और इसमें दे देते हैं मिडिल, ठीक है। और इसी को मैं ऐसा करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और इसमें है पेस्ट, ठीक है। इसमें पेस्ट करके हम क्या करते हैं, इसको बॉटम दे देते हैं, ठीक है। और एक होता है नन, जो कि वो तो बाय डिफॉल्ट होता ही है, ठीक है। तो इसे हम देखते हैं, ठीक है। इसको हम स्पेस करते हैं, अब आप देख सकते हो वी अलाइन से क्या हो जाता है, ये ऊपर चला गया, ठीक है। ऊपर चला गया, ऊपर दिख रहा है। और उसके बाद में हमने जो वी अलाइन, हमने इसका क्या दिया था, इसका हमने दिया था सेंटर यानी मिडल, ठीक है। हमने मिडल दिया तो ये मिडल में आ गया। और जो इसका, इसका हमने जो दिया था वो दिया था हमने बॉटम, तो ये बॉटम पे आ गया। देखो बॉटम पे चिपक गया, ठीक है। ये सेंटर में चिपक गया और ये टॉप पे चिपक गया, ठीक है। तो आप ऐसे कह सकते हो। तो हम इसे यूज करते हैं हम इसका, तो वी अलाइन का। इसके अलावा इसमें एक लास्ट एट्रीब्यूट है, वो है बीजी कलर का, ठीक है। तो आप अगर आप इसमें जैसे यहीं पे मैं यूज कर लेता हूँ बीजी कलर, तो बीजी कलर आप इसमें यूज कर सकते हो, तो आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद में हम इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो गया, ठीक है। और जो दो एट्रीब्यूट से वो वर्क नहीं करते, इसलिए हम उनको देख भी नहीं रहे, ठीक है। हालांकि वो हमारी जो लिस्ट थी, उस लिस्ट में भी वो एट्रीब्यूट काउंटेड नहीं थे, लेकिन इसमें मैंने आपको बताया कि ये यूज होते थे, ठीक है। बस इसलिए बताया था, ठीक है। केरो केरो। इसके बाद में इसमें भी जो है हमारे वी अलाइन यूज होता है, ठीक है। तो आपको बताइए चूज में, जैसे इसमें यूज किया तो पूरे पर लाइन, पूरे पे लागू हो जाता है। और इस पे अगर वी एस वी अलाइन और वी अलाइन यूज करते हैं तो वो सिमिलरली, तो वो एक पर्टिकुलर एक इस अकेले पे जो लागू होगा, ठीक है। और इस पे यूज करेंगे तो पूरे पे लागू हो जाते हैं इसमें। लेकिन इस पे वी अलाइन लागू नहीं होता, मतलब उस पे वर्क नहीं करता, लेकिन ओनली टेबल रो पे इन पे वर्क करता है, ठीक है। आप इनको ही आप यूज कर सकते, तो ये वी अलाइन के लिए काम में आता है, ठीक है। अगर आप पूरा करोगे तो वी अलाइन पूरे पे लग जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इसको हटा सकते हैं, पहले हटाना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो वर्क ऊपर वाला करेगा। तो इसको हमने हटा दिया और इसको भी हम हटा देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं ये वर्क करता है नहीं करता है, ठीक है। तो हम इस पे करते हैं सेव करके देखते हैं, टॉप कर देते हैं, ठीक है। और ये देखो ये वर्क नहीं किया, ठीक है, क्योंकि ये एट्रीब्यूट नहीं होता है। तो जिसका एट्रीब्यूट होता है उसी में वर्क करता है, ठीक है। मैं ये बताना चाहता था कि बार, ठीक है। और ये टॉप हो गया, इसमें टॉप आ, इसलिए वो टॉप पे आ रहा था, इसमें भी टॉप लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद में जो हो गया, और ये जो वी अलाइन इसमें होता है, तो सिमिलरली आप इसमें करना चाहे तो जो वी अलाइन है, ठीक है, तो इसको कॉपी कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर पे लिख दो, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर पे आ जाएगा, ठीक है। और इसके लिए अलाइनमेंट है, तो यही जो आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये अलाइनमेंट इस पे भी आती है, ठीक है। तो इसमें अगर आप चाहते हो तो अलाइनमेंट दे सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने इसकी क्या दे दी, अभी बाय डिफॉल्ट लेफ्ट आती है, तो इसको मैं क्या देता हूँ, सेंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया टी डी, दोनों में सिमिलर है, ऐसी बात नहीं, अलग अलग है, दोनों में सेम टैग आते हैं और ऐसे यूज होता है, ठीक है। तो ये देखो ये टॉप पे चला गया वी, क्योंकि वी बार जो हमने वर्टिकल अलाइन दिया था, ठीक है। और ये हमने जो हॉरिजॉन्टल अलाइन अलाइन दिया था, या कुछ भी कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि अलाइन हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, जो सेंटर दिया था। तो आपने एक ये हो गया। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी आप चाहो तो बीजी कलर आप देना चाहो, तो अगर कोई बैकग्राउंड कलर आपने देना चाहते हो, ठीक है, तो आप बैकग्राउंड कलर दे सकते हो, ठीक है। तो आप दे सकते हो बीजी, ठीक है, कलर, ठीक है। तो मैं वैसे दे नहीं सकता हूँ, तो ये देना चाहूंगा, ठीक है। वैसे ये वाइट ही है, लेकिन वैसे प्रॉपर वाइट नहीं होता ये, ठीक है। तो
इफेक्ट दिखना चाहिए बस, थोड़ा बहुत इफेक्ट दिखना चाहिए था, नहीं दिखा, कोई दिक्कत नहीं है, कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो कलर लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है, उसको सेव कर लेते हैं और कलर को देखते हैं कौन सा कलर आया है। ये देखो आप, ठीक है, तो जैसे हमने कलर चेंज कर दिया, तो यहाँ पे कलर एक ही चाहिए पर्टिकुलर पे, अगर कोई आप कलर देना चाहते हो, ठीक है, पर्टिकुलर यहाँ पे तो आप दे सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप क्या, ठीक है, तो वी अलाइन दे सकते हैं और अलाइन दे सकते हो। ठीक है, और उसके बाद में आते ही रो स्पेसिंग और कॉल स्पेसिंग, इसके अलावा एक विद होता है। ठीक है, अब अगर इसके आप पर्टिकुलर के आप विद चेक करना चाहते हो, विद भी आप दे सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे विद दिया तो यहाँ पे भी आप विद दे सकते हो उसकी। ठीक है, ठीक है, तो आप विद दे सकते हो। ठीक है, और हाइट भी दे सकते हो, ऐसी बात नहीं, हाइट इधर हाइट भी दे सकते हो। ठीक है, विद हाइट आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पे कहते हैं स्पेसिंग यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने क्या कर लिया, हमें करना है रो स्पेसिंग। ठीक है, रो स्पेन कर, ठीक है, रो स्पेन कर लें। ठीक है, ये एक्चुअली ठीक है, आपको करके दिखा देते हैं एक बार के लिए। ठीक है, मैं इसको 2 लिख देते हैं। ठीक है, और 2 यानी अब रो चाहिए मुझे, सिर्फ रो के लिए, मैं सिर्फ रो एक मतलब 2 रो को एक करूंगा, तो इस, नहीं यहाँ पे नहीं लगाता मैं, सॉरी यहाँ पे नहीं लगा रहा, ठीक है, अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, मैं इसको यहाँ से लगाता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ। ठीक है, और इसको हटाने के बाद क्या करना है, ठीक है, तो इसके बाद हटाने के बाद मैं आपको कुछ चेंज नहीं कर रहा, तो ठीक है, एक बार के लिए हम क्या करते हैं, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, हटा दिया, तो ये हमने रो लगे, इसको हटा दिया, और अब ये देखते हैं, और इसके बाद में एक होती है रो। ठीक है, तो हमने क्या किया था यहाँ पे, ऐसा करते हैं, तो 7 रखते हैं, सॉरी 7 रखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे कितना हो गया, इस पे हो गया 24, सॉरी यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, 44, 244 हो गया। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं कॉल। ठीक है, और ये लिखते हैं इस पे। ठीक है, और इसके हम अंदर क्या लिखते हैं, इसके अंदर हम लिख देते हैं कॉल स्पेन के अंदर हम क्या लिखते हैं, इसके अंदर भी 2 लिख देते हैं। ठीक है, और अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसको चेक कर लेते हैं लगा के ये, सो इसको एक बार करते हैं, इसकी जो हाइट है ना वो थोड़ी कम कर देते हैं, क्योंकि हमने कुछ ज्यादा दे रखी है, तो आई थिंक सो 400 काफी है। ठीक है, ठीक है, तो 400 काफी होगी, तो 400 काफी है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने इनको एक कर दिया। ठीक है, ये मैं ये जो इसको कलर दे रखा है, जिस वजह से कलर आ रहा है, तो इसे होते हैं इसको हम इसको टोटल वाले को हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो जो टोटल वाला आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है 20G कलर पूरे टॉप की, इसकी वजह से, तो इसको मटा लेते हैं। ठीक है, और इसको भी वी लाइन को बैठा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको हम सही भी कर लेते हैं, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगी। ठीक है, तो ओ आई थिंक ये जो 2 को ये क्या कर दिया, इसने 1 कर दिया है। ठीक है, ठीक है, इसने क्या कर दिया, रो को 1 कर दिया है, यहाँ पे एक रो बना दी। ठीक है, तो ये रो को 1 कर दिया है इसने। ठीक है, तो इसमें इसमें क्या कर दिया, 2 कॉलम्स को, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये 2 रो थी, पहले 2 रो थी, फर्स्ट रो सेकंड रो थी, दोनों रो को क्या कर दिया, 1 कर दिया। ठीक है, और हमने क्या कर दिया, यहाँ पे क्या करना था, कॉलम को 1 करना था। ठीक है, तो हमने आई थिंक सो कुछ गड़बड़ कर दी, तो एक बार के लिए हम इसको क्या कर देते हैं, तो कॉलम्स कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं, क्योंकि हमारे को सिर्फ क्या चाहिए था, कॉलम चाहिए थे, कॉलम को 1 करना था, ना कि रो को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी गलती कर दी। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है,
इसको मैं कर देता हूँ कट, ठीक है, और मैं यहाँ इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, सॉरी, ठीक है, और यहाँ पे वी कर देता हूँ, ठीक है, और मैं इसको क्या करता हूँ, इसको हटा ही देता हूँ, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पे भी वही करेंगे, ठीक है, तो इसको भी हम कट कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। और सिमिलरली एक डेटा हमारे को हटाना है, तो इसको ऐसा करते हैं, डेटा को हम इसको हटा देते हैं, ठीक है, और सेव कर लेते हैं। अब अपन चलते हैं अपने टेबल के पास, तो अब आप देख पा रहे होंगे फिर से, ये देखो हो गई एक, ठीक है, ये हो गई एक, तो ऐसे हम एक कर सकते हैं। और शायद आई थिंक सो हमने डेटा से ज्यादा दे रखा है, आई थिंक सो, ठीक है, लिमिट से ज्यादा डेटा दे रखा है, तो हमने जैसे कितने दे रखा है, 1 2 3, वैसे 1 2 3 4 5 6 दे रखा है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 ही है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ठीक है। तो हमने अपने जैसे क्या कर सकते हैं, तो हमने देख सकते, ठीक है, तो हम जैसे रो को एक कर सकते हैं, तो हमने ये रो को एक किया है, ठीक है। और ये क्या है ना कि हमने इसको दो एक कर दिया है, तो थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो इसका टोटल हमने हटा दिया शायद, आई थिंक सो, तो कोई इसका जो टोटल है ना, ये इस पे आ रहा है, यहाँ पे आ गया इसका तो टोटल, ये टोटल यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, रुको एक मिनट, ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसी को डुप्लीकेट कर देते हैं, ठीक है, इस बार लिंक इसको हम हटाएंगे नहीं, ठीक है, हटा देते हैं, ठीक है, और सेव कर देते हैं, ठीक है, और अब रिफ्रेश मारते हैं, तो ये ठीक आ रहा है, आई थिंक सो, ये एक्स्ट्रा मैटर आ रहा है, तो ये एक्स्ट्रा कहाँ से आ रहा है, ये हमने डेटा भी हटाया था, तो एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया, 1 2 3 4 5 6, 6 मैटर, 1 2 3 4 5 6, 6 मैटर है, ये एक्स्ट्रा आ गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 76 वाला आ गया है, तो 76 वाले को देखते हैं, तो 76 है, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो आप इससे क्या कर सकते हैं, आसानी से इसको जो भी आप इसमें चेंज करना चाहते हो आप चेंज कर सकते हैं, दो को एक कंबाइंड कर सकते हो, ठीक है, जैसे इसमें दो को हमने कंबाइंड कर दिया, तो जैसे 78 कर दिया, एंड इसमें आपने कर सकते हैं, ठीक है, रो को कर सकते हो और कॉलम को कर सकते हो, ठीक है, जैसे हमने इसमें क्या कर दिया, दो कॉलम को एक कर दिया, इसमें हमने दो रो को एक कर दिया, तो आप ऐसे देख सकते हो, को जो ये रो है, तो जो कॉल रो हमने यूज किया है, तो कॉल रो से हमने ये किया है, ठीक है, जो कॉल रो से किया, तो कॉल रो से हम क्या होता है, जो दो रोज होती है वो दो एक एक हो जाती है, ठीक है, और कॉलम से क्या होता है, जो दो कॉलम्स होती है वो एक हो जाती है, ठीक है, इससे ज्यादा हम और कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद में हमारा एक होता है कि हम उसके लिए हम क्या करते हैं, जो एक होता है हेडर, ठीक है, हमें हेडर भी होता है इसके अंदर, जो कि हम देखें उसमें लिखते हैं यहाँ पे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक आईडी यूज करनी पड़ती है, ठीक है, तो हम जैसे कि आईडी लिख देते हैं, जैसे इसकी आईडी क्या है, तो नंबर लिख देते हैं, ठीक है, डमी, ठीक है, और जैसे कि इसकी जो आईडी है, ठीक है, तो इसकी जो आईडी है हम क्या लिख देते हैं, इसकी आईडी, तो इसकी आईडी क्या होती है, नेम, ठीक है, और इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और इसके अंदर हम जो इसकी जो आईडी है वो हम लिखते हैं इंग्लिश, तो ई एन, ठीक है, हम ई एन लिख देते हैं केवल, ठीक है, और इसके अंदर हम इसकी जो आईडी हम लिखते हैं वो लिख देते हैं एच आई, ठीक है, और इसकी जो आईडी है वो तो पूरी लिखनी पड़ेगी, मैथ, ठीक है, और इसकी लिखते हैं
सी लिखते हैं, टी ओ टी टोटल, सॉरी टोटल, ठीक है। अब इसमें इसका जो हेडर यूज होता है, ठीक है, अब हेडर में क्या करते हैं, तो यहाँ पे जैसे हेडर करते हैं, ठीक है, तो ये हेडर यूज होता है, ठीक है। तो हेडर में जैसे हम इसकी आईडी लिख, जैसे क्या लिखते हैं, नम, ठीक है। और जैसे इसके अंदर जो ये किसको मतलब जिसको डिनोट करता है वो लिखते हैं, ठीक है, सॉरी, ठीक है। और जो इसका नाम था नेम, ठीक है, और इसके अंदर चलो इसको रहने देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर लिखते हैं हेडर, तो आप इसका लिख सकते हो ईएन, तो आई थिंक सो पूरा नहीं लिख पाएंगे, एक ई हो जाएगा, ठीक है, इसको लिखते हैं ईएन, ठीक है। और ठीक है, तो हेडर कर देते हैं और इसमें लिख देते हैं हम एच आई, ये हिंदी को डिपेंड करता है, और इसको लिखते हैं हेडर, ठीक है, हेडर कर देते हैं, और जो कि डिनोट करता है मैथ को, ठीक हो, ठीक है। एंड इसको हम लिख देते हैं हेडर, ठीक है, जो कि डिनोट करता है हमारे मतलब ये क्या अभी क्या डिनोट करेगा, जो हमारे टोटल को डिपेंड करेगा, ठीक है, तो ये हमारे टोटल किस को डिपेंड कर देता है। तो ऐसे हम इसका हेड का यूज करते हैं, ठीक है। और अगर हमें रेप नहीं चाहिए होती है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये बात है, अगर रेप नहीं चाहिए तो हम क्या करते हैं, नो, ठीक है, और आप लिखते हैं रेप, ठीक है। अगर अपन को कोई अगर ये नो वेप चाहिए होता है तो नो, अपन ये नो वेप लिख देते हैं, और ये वेप नहीं होती, ठीक है। और इसी प्रकार से जो अपने जो भी एट्रीब्यूट्स दिए थे, ठीक है, क्योंकि अलाइनमेंट आपको देख चुके, ठीक है, वी अलाइन भी हम वैसे यूज करते हैं, और बीसी कलर भी हम यूज कर ले, ठीक है। और इसके बाद में स्पेन देख लिया, रो स्पेन देख लिया, और अपने कॉल स्पेन देख लिया, ठीक है, और हेडर देख लिया, और नो वेप, अगर आपको नो वेप देखना हो तो नो वेप चाहिए होगा, उसके लिए हम नो वेप यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर वेप चाहिए नहीं होता है, ठीक है, तो अब आप इसमें देख, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं रहा, ठीक है। मैं तो यूज बता रहा था कि यूज कैसे करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो टैग होते हैं स्क्रीन रीडेबल होते हैं और स्क्रिप्ट रीडेबल होते हैं, ठीक है। तो ये पता, इससे अपन ये पता चलता है कि जो ये हेड है इसका जो मेन हेडर है ये है, लेकिन इसका मतलब ये जो ये वैल्यू है देखा जाए तो ये जो वैल्यू लिख रहे हैं वैल्यू किसकी है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखी एच आई, तो ये हिंदी की वैल्यू है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू है, तो हमने इसे बताया, ठीक है। तो ये एक आईडी हमने दे करके इसे हम इसकी वैल्यू बता सकते हैं किसकी है, ठीक है। तो ये पता रहता है कि हमें कि हाँ ये इसकी वैल्यू है, तो वर्केबल, अच्छा मतलब कि जो स्क्रीन रीडेबल है, तो अपने जो ऊपर से स्क्रिप्ट रीडेबल भी होती है, ठीक है, स्क्रिप्ट से भी हम जो काम करते हैं तो स्क्रिप्ट में भी काम आती है, ठीक है। और अब इसके बाद में हो गया, तो अब अपना देखते हैं नेक्स्ट जो हमारे टैग हैं उसके बारे में देख लेते हैं, जिसमें जैसे हमने सभी के बारे में देख चुके हैं, आई थिंक सो एक चीज बची है शायद, आई थिंक सो वो बचा है स्कोप, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं स्कोप भी देख लेते हैं, ठीक है, आई थिंक सो, मैंने आई थिंक सो, क्योंकि रो स्पेन हो चुका है, वेप हो चुका है, हेडर हो गया, हाइट हो गई, विड्थ हो गई, कॉल स्पेन, एक कॉल स्पेन हो ही गया, रो स्पेन हो गया तो कॉल स्पेन भी हो गया, बीजी कलर हो गया, और एक्सिस बच गया, ठीक है, एक एक्सिस बच गया और एक स्कोप बच गया। चलो स्कोप को और एक्सिस को देख लेते हैं कैसे यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो एक्सिस के लिए कुछ नहीं है, ठीक है, आप एक्सिस के लिए जैसे यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं एक्सिस, ठीक है। और एक्सिस में जैसे ये है कि जैसे ये मतलब किस प्रकार का डेटा है, ठीक है, तो डेटा क्या है, स्टूडेंट डेटा, ठीक है, या तो ठीक है आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, जिस प्रकार की जो कैटेगरी है उस हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है, स्टूडेंट डाटा, ठीक है। तो ये आप ऐसे लिख सकते हो एक्सेस में, ठीक है, तो कैटेगरी टाइप की। और आपको मैं एक और बता दूं, यहाँ मैंने एक आपको एक टैग नहीं बताया शायद, आई थिंक सो मैं फॉरगेट कर गया, एक होता है समरी, ठीक है, इसके अंदर आप कुछ भी समरी लिख सकते हैं क्योंकि ये स्क्रीन रीडेबल
होती है बट शो नहीं करती, आपको दिखाती नहीं है, ठीक है? तो आपको डिस्प्ले नहीं होती, शाम लिख सकते हो लेकिन डिस्प्ले नहीं होगी, ठीक है? ठीक है, तो वेलकम टू लंडन, तो आप ये लिख सकते हो, तो ये वैसे आपको शो नहीं करेगा, ठीक है? तो आप ये काम कर पर केबल है और एक्सेस जो भी आपको ये दिखता नहीं है, ठीक है? आप देख सकते हो अभी दिखेगा नहीं, ठीक है? ठीक है, तो हम चलते हैं वापस हमने ब्राउजर पे और इसको देखते हैं, रिफ्रेश मारते हैं, ठीक है? तो ये रिफ्रेश करके देख लो आप, मैंने इस पे लगाया था एक्सेस, तो ये देखो कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है? दिखाता नहीं है लेकिन स्क्रीन रीडेबल होता है, ठीक है? और अब हम देखते हैं स्कोप के बारे में, ठीक है? जो पहले हम ये देख लेते हैं कि हेडर मतलब जो स्कोप रहते हैं, ठीक है? तो जो है जो जो टैब होता है ना स्कोप टैब, तो वो क्या उसका जो यूज होता है वो क्या करता है, मतलब जो जो अपने सेल बताता है कि हमारी जो है मतलब जो रो है, ठीक है? तो हेडिंग रो है, ठीक है? कॉलम है, ठीक है? कॉलम ग्रुप है और जो है रो ग्रुप, ठीक है? तो इसके बारे में ये हमारे बताता है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं एक बार यूज करके देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे स्कोप, ठीक है? तो हम इसको एक बार स्कोप यूज कर लेते हैं, ठीक है? तो जैसे कि हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि यहाँ पे सब हो चुका है, तो हम ऐसा कर लेते हैं यहाँ पे एक स्कोप यूज कर ही लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे करता है एक स्कोप, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे कर लिया एक स्कोप यूज, ठीक है? तो यहाँ पे स्कोप यूज कर लेते हैं और उसमें हमने जो स्कोप देते हैं वो देते हैं कॉल का, ठीक है? ठीक है, तो स्कोप कॉल, ठीक है? तो हमने स्कोप कॉल दे दिया। अब यहाँ पे कितनी वैल्यू है, तो दो वैल्यूज यहाँ पे, ठीक है? दो वैल्यूज यहाँ पे, तो ऐसे यहाँ पे भी दो वैल्यूज ही हैं, ठीक है? तो हम ऐसा करते हैं इसको इस वैल्यू को हटा देते हैं, सेव कर लेते हैं, ठीक है? और इसके बाद में हम क्या करते हैं इसको हम देखते हैं, ठीक है? आप देख सकते हो यहाँ पे आपको मैंने गिटम आप दिखाया है, ठीक है? तो जैसे आप इसके अंदर आप देख सकते हो, ठीक है? तो आप यहाँ से भी एक इसको कर ले सकते हो आप, ठीक है? तो आप यहाँ से भी काफी हद तक आपको बता, यहाँ पे काफी हद तक आपको नॉलेज आपको मिल जाएगी, ठीक है? इसके इसके बारे में, एट्रीब्यूट्स के बारे में, ठीक है? और जो अपना, ठीक है, तो हम इसको चलते हैं हमारे, तो अब आप देख पा रहे होंगे, ठीक है? तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, एक्स्ट्रा वैल्यू, ठीक है? तो आपको दिख नहीं पा रहा, तो एक बार जैसे दिखाना चाहता था, ठीक है? तो ऐसा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो स्कोप के बारे में अगर आप और भी हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे एक और वैल्यू कम कर लेते हैं, ठीक है? और इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है? और इसको वापस देखते हैं, ठीक है? इसको रो, तो आप देख पा रहे होंगे तो ये एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है? और अगर हम ऐसा करते टोटल को बैठा दें एक बार के लिए, टोटल है ही नहीं, ये मान लेते टोटल है ही नहीं, ठीक है? एक बार एक कर देते टोटल है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है? तो अब आई थिंक तो ज्यादा अच्छे समझ में, अब देखो ये एक्स्ट्रा निकल रहा है, ठीक है? और ये दिखाता है कि ये कॉलम है, ठीक है? ये हेडिंग है एक्चुअली, आप ये देख सकते हो ये भी एक हेडिंग है इसके लिए, ठीक है? तो आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है, हेड है, तो आप ये भी कह सकते हो ये रो हेड, मतलब ठीक है? तो एक कॉलम को अपने एक आपको हेडिंग के रूप में बताता है, ठीक है? और अब अपन जो नेक्स्ट का है, तो अपने नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है? तो वो नेक्स्ट है हमारा, हमारा है वो है कैप्शन, ठीक है? कैप्शन के बारे में देखते हैं, तो कैप्शंस के बारे में देख सकते हैं, ठीक है? तो कैप्शन में क्या है, तो कैप्शन में अपना क्या रहता है, जो भी अपना जो भी अपनी टेबल के जो भी आपको कोई कैप्शन देना है, ठीक है? जिस भी टाइप की, जैसे आपने बोल वाला कि ये स्टूडेंट डेटा है, तो अपने स्टूडेंट डेटा एक कैप्शन लिख दिया, ठीक है? तो अपने कैप्शन में आप लिख सकते हो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, ये कैप्शन का काम होता है, इसमें कोई एट्रीब्यूट नहीं होता है, ठीक है? इसके बाद हम जो देखेंगे वो है कॉल ग्रुप, ठीक है? जिसमें हम कॉलम ग्रुप्स के बारे में देखेंगे, जो कॉलम्स को ग्रुप करेंगे, ठीक है? मतलब एकदम ग्रुप कर देंगे, ठीक है? तो हम ग्रुप्स को देखेंगे, ठीक है? तो इसके बाद उसको, और इसके अंदर जो हम एट्रीब्यूट्स हैं वो भी देखेंगे, उसके बाद पहले देख रहे हैं, तो इसको हम एट्रीब्यूट्स देखेंगे, वो देखेंगे एक स्पेन,
ठीक है, यही मेन है। और बाकी हम अलाइनमेंट है, विद है और वी अलाइन, तो आप इन दो के बारे में तो आप जानते ही हो, ठीक है। अलाइन के बारे में भी जानते हो, वी अलाइन के बारे में भी जानते हो, और आप विद के बारे में भी जानते हो। तो आप इसमें जो एक न्यू करेक्ट जानोगे वो है एसपेन, ठीक है। इसमें भी हम नंबर की वैल्यू देते हैं जितना हम देते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम देते हैं कॉल, ठीक है, कॉलम टेक, ठीक है। तो कॉलम टेक के बारे में क्या है, तो हम इसमें क्या कहते हैं, ये क्या होता है, ठीक है। तो इसमें ये एक हम यूज करते हैं जो स्पेसिफाई करता है पर्टिकुलर एक कॉलम को, ठीक है, प्रॉपर्टी। आप देख सकते हैं ये जो कॉलम इज टेक टू इज स्पेसिफाई द कॉमन कॉलम, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर एक कॉलम को क्या कहता है, उसको उसको कर लेता है, इस मतलब बताता है कि कॉमन जो एक चीज पे यूज होता है, ठीक है, एक कॉमन एक कॉलम पे यूज होता है। और प्रॉपर्टी फॉर ईच कॉमन विद इन द कॉल ग्रुप, जो उस कॉल ग्रुप के अंदर जो पूरी दिखाता है, जितने उसके ग्रुप के अंदर बताता है, जितने भी उसके अंदर कॉलम है, ठीक है, जितने भी होते हैं उन कॉलम को एक मान लेता है कि एक कॉलम ही है, वो एक कॉलम के रूप में एक स्पेसिफाई कॉमन कॉलम बता देता है, ठीक है। और उसके बाद में ये यूजफुल रिक्वायर अप्लाई द कॉमन स्टाइल, ठीक है। तो आप इसमें क्या होते हैं, कॉमन स्टाइल आप दे सकते हो, ठीक है। अब आपको देखते हैं इसके बारे में, उसके बारे में जो एट्रीब्यूट्स है वो भी कुछ नहीं, वो स्पेन ही है, ठीक है, स्पेन है, ठीक है। और अलाइन है, वही अलाइन है और स्पेन, ठीक है। तो हम देखेंगे, तो इसके साथ हम ऐसा करते हैं, तो साथ ही हम पहले जो भी ये देख लेते हैं जो है टेबल हेड, ठीक है। जो हम टेबल हेड देखेंगे, तो टेबल हेड हम ये देखने वाले हैं, ठीक है। इस टेबल हेड में हम क्या करने वाले हैं वो भी देख लेते हैं कि टेबल हेड में क्या है। तो टेबल हेड में ये जो एक डिफाइन करती है, इसमें अगर जो भी अपन कंटेंट लिखेंगे वो क्या करते हैं, वो शो करेगा कि ये टेबल का हेड है, ठीक है, जो टेबल का हेड का हेड डेटा है, हेड का डेटा है, ठीक है। तो ये उसका शो करता है। उसके बाद में इसके अलाइन जो वही है, ठीक है, अलाइन वी अलाइन, ठीक है, पेयर ऑफ वगैरह आप यूज कर सकते हो, तो आपको ऑलरेडी आपको ये जानते हैं, इनके बारे में आपने देख चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में बॉडी है, ठीक है, टी बॉडी, ये सिमिलर ही है, ये इससे दिखाती, ये बताती है कि जो ये जितना भी डेटा है वो डेटा क्या है, ये डेटा है हमारे क्या है, बॉडी है, ठीक है, बॉडी का मतलब बॉडी का डेटा है। तो जो बॉडी बॉडी का है, तो आप इससे बॉडी डिफाइन होता है कि बॉडी होता है, ठीक है। बाकी आप इसको रन पोज क्या तो लिख भी सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम जो एट्रीब्यूट्स है वो भी सिमिलर है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं टेबल टेक के अंदर फूटर, फूटर, ठीक है। तो ये ऑफकोर्स सिमिलर ही, ठीक है। तो ये तो टेबल का फुटर है, सबसे लास्ट पार्ट यही है, तो ये दर्शाता है। इसके बाद हम देखते हैं इसके एट्रीब्यूट, तो एट्रीब्यूट इसके सिमिलर है, ठीक है। तो अब हम इसको देख लेते हैं, तो तीनों का हम यूज कर लेते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं एडिटर, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा इस बार हम इसके क्या करते हैं, टेबल चेंज करते हैं, थोड़ी सी टेबल चेंज कर लेते हैं, ठीक है, टेबल हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो हटा लेते हैं सबको, हटा लो, ठीक है, हटा लेते हैं, ऐसा ऐसी बात नहीं कि कोई फैक्ट डाल देगा, ऐसा ऐसी बात नहीं है, फैक्ट नहीं डाल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जरूरी हटाना, अगर नहीं हटाना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, हटा नहीं हटाओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको पहले इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। और इसको भी हटा सकते हो आप, ठीक है, और इसके बाद इसको भी आप हटा सकते हो, ठीक है। तो ये शोएबल के लिए नहीं, हमने इसको लिए बनाया, ये बनाया, ठीक है। अब ये जो डेटा है, ठीक है, ऊपर वाला, उसको डेटा को हम वैसे तो टेबल हेड में डालेंगे, बिल्कुल आपको बताते रुको, हम साथ ही यूज करेंगे, सबको यूज एक साथ ही करते हैं, ठीक है, सॉरी ये वाला मैंने गलत कर दिया, ठीक है, ये तो रहने देते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे जो नेम की जगह हम लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है, और सब्जेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे हम मार्क्स लिख देते हैं, ठीक है, तो
ठीक है, मार्क, और ऐसा करते हैं इनको हटा देते हैं, ठीक है। तो लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखेंगे वो लिखेंगे हम सब्जेक्ट, जैसे कि ठीक है, और जो भी मार्क्स है तो ठीक है, मार्क्स लिख देते हैं। तो ये ऑलरेडी हो गया, ठीक है। अब इसको हम क्या कहते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हिंदी, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पे दे देते हैं मैथ, ठीक है, थ्री है और ये टू है, ठीक है। इसके बाद में इसको दे देते हैं 100 मार्क्स, ठीक है। इसके अलावा एक और बनेगा फोर्थ, ठीक है, फोर्थ बनेगा, फोर्थ इसमें, लेकिन ये नहीं लिखा लिखेंगे, ठीक है, कि फोर्थ ये होता नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा करते हैं, इसको रहने लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, टोटल लिखते हैं, ठीक है। तो टोटल हो गया, और टोटल हम यहाँ पे इसका जो अमाउंट लिख देते हैं, वो टोटल अमाउंट लिखना, बस सॉरी टोटल मार्क्स है वो लिखते हैं, ठीक है। ये फोर्थ देना चाहो तो दे दो, वरना खाली भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो खाली अमाउंट भी आप खाली भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका टोटल कर लेते हैं, तो यहाँ पे कर लेते हैं, इसके मार्क्स हो सकते हैं 237, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। और इसको हम ब्राउजर पे चलते हैं और इसको शो करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ब्राउजर पे चलते हैं, ओके, एक मिनट, आई थिंक सो इट्स वर्किंग, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो हमने इसको देख लिया, ठीक है, तो ये सब वर्किंग कर रहे हैं। अब अपन इस पे देख लेते हैं पहले जो हमने लगाया कैप्शंस के बारे में, ठीक है। तो हम कैप्शंस पे, इस पे कैप्शन लगा लेते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे जो बाहर लिखा जाता है, ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे कैप्शन, तो यहाँ पे लिखते हैं कैप्शन, ठीक है। तो इसमें कैप्शन लिखते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं वैसे इस कैप्शन ही होता है, ठीक है, ठीक है। स्टूडेंट डाटा, ठीक है। तो ये हो गया कैप्शन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टूडेंट कैप्शन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कैप्शंस में, तो ये हमारा भी जो है पूरा डाटा किस में आ जाएगा, कैप्शन में आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ देखो कैप्शन आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉल ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं कॉल और ग्रुप बना देते हैं, ठीक है, और इसको हम क्लोज भी कर लेते हैं, ठीक है। कॉल ग्रुप को हम क्लोज भी कर लेते हैं। अब इसमें हम जो है, हम क्या करते हैं, हम इसमें यूज करते हैं, ठीक है। तो वो करते हैं कॉल को, ठीक है, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, ठीक है, स्पेन यूज कर लेते हैं, और वो कर लेते हैं टू का, ठीक है। इसको हम सेव कर लेते हैं, ठीक है, और इसको एक बार शो करके देखते हैं। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो स्पेन हो तो रहा है लेकिन दिख नहीं रहा, तो ऐसा करते हैं यहाँ पे हम कलर दे देते हैं, ठीक है। तो हम बीजी, ठीक है, तो कलर दे देते हैं, तो पीजी कलर ही दे देते हैं, ठीक है, सॉरी ये भी दिखेगा नहीं, ठीक है। तो
ये सही है, ठीक है, तो इसे हम दे देते हैं। और अब देख ले, ये देख पा रहे होंगे, तो ये इसको हम, ये दोनों को क्या कहते हैं, एक्चुअली एक ऐसे बना, ये दोनों का ग्रुप बना दिया, ठीक है, और ऐसा कह दे कि ये एक ही है, ठीक है, ये अलग कॉलम है, ये अलग कॉलम है, ठीक है, ऐसे पूरा बना दिया, तो ऐसा लगता है कि ये पूरा कॉलम है, तो एक ग्रुप बना दिया है कि ये ग्रुप है, ठीक है, तो आप ऐसे ग्रुप बना सकते हो, ठीक है, तो कॉल ग्रुप बना सकते हो, ठीक है। और बाकी बीसी कलर है, अलाइनमेंट वगैरह वो सेम है, तो आप इसमें अगर जैसे यूज करोगे तो अलाइनमेंट आप अकॉर्डिंग टू आपके अनुसार जो भी अलाइनमेंट है वो यूज हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, जो भी आप अलाइन यूज करना चाहते हो, जैसे कि आप सेंटर यूज करना चाहते हो, ठीक है, तो आप सेंटर लिख देते हैं, वैसे बाई डिफॉल्ट आती है, नहीं नहीं सेंटर नहीं आता, ठीक है, तो यहाँ पे शायद ये अलाइनमेंट वर्क नहीं करता, ठीक है, तो ये अलाइन हमारे यहाँ पे वर्क नहीं करता, लेकिन शायद आई थिंक सो वी अलाइनमेंट जरूर यूज करें, तो वी जरूर यूज होगा, ठीक है, देखते हैं, ट्राई करते हैं, ठीक है, तो हम यूज करके देखेंगे और हम कुछ ना कुछ न्यू करके देखेंगे, तो ये देखो ये भी वर्क नहीं करेगा, ठीक है, तो हमारे जो भी थे इसके वो हमने इसको यूज कर चुके हैं, ठीक है, तो ये कॉल ग्रुप में इनमें ये ऐसा, अगर आप करना चाहते हैं कि भाई मैंने उसको ग्रुप मैंने बना दिया, तो एक पर्टिकुलर ग्रुप में अगर आप देना चाहते हो ऐसा आप नहीं दे सकते, ठीक है, तो मैं ये आपको बताना चाहता था, ठीक है, तो ये हो चुके हैं, ठीक है, और इसमें हाइट विथ आपको बताया जाता है कि इसमें हाइट विथ के लिए तो वो एक था, तो वो भी नहीं है, ठीक है, तो बीजी कलर है, ठीक है, और जो भी थे इसके वो सारे हो चुके हैं, ठीक है, देख आपने जो भी देखा आपको देख चुके हैं, और इसके जितने भी, ठीक है, तो इसमें आपने ये मेन एक नया दिया, ठीक है, आप जितने भी एट्रीब्यूट्स थे वो सारे एट्रीब्यूट्स आप देख चुके हो, अब इसके बाद में एट्रीब्यूट्स तो नहीं बट आप टेक देखोगे, ठीक है, वो है, एक होता है टेबल हेड, ठीक है, और ये टेबल हेड ही यहाँ तक है, ठीक है, क्योंकि ये जो डेटा टेबल हेड का था, ठीक, तो मैंने इसको कर दिया क्लोज टेबल हेड को, ठीक है, और जो ये वाला जो डेटा है, ये वाला है बॉडी का, ठीक है, तो टेबल बॉडी का डेटा है, और ये जो डेटा है वहाँ खत्म होता है, जहाँ पे टोटल लिखा हो उससे पहले, ठीक है, यहाँ पे खत्म है, तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ क्लोज बॉडी, ठीक है, इसके बाद में जो ये डेटा है वो फुटर का है, तो हम इसे लिख देते हैं फुटर, तो इसको टी फुटर, ठीक है, और ये यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, ठीक है, तो इसको हम क्लोज, ठीक है, तो यहाँ लिख देते टी फुटर, ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, ये एक फूटर को दर्शा रहा है, ठीक है, ये फूटर है, और ये जैसे इसमें ये जो जैसे मैंने अलाइनमेंट है, तो इसी ग्रुप होती है, इस पे वर्क कर गया, ठीक है, तो ये बॉडी पे कर जो किया है, ठीक है, तो बॉडी पे हो गया, तो उसको हम हटा देते हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ पे कुछ यूज किया, ठीक है, तो बॉडी को हमने यहाँ पे कैप्शन में दे करके, तो यहाँ पे जो जो दी है ये वाला हाइट दे दी, तो वो हाइट ओनली फॉर फुटर पे ना, फुटर पे नहीं जा गई, ठीक है, तो आपको फुटर के लिए अलग से हाइट देनी पड़ेगी, ठीक है, जो भी हाइट गई है वो बॉडी पे गई, केवल बॉडी पे चली गई, ठीक है, ये वाली जो हाइट है तो आप इसको हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आई थिंक परफेक्टली वर्क, ठीक है, अब आप देख सकते हो, और अगर आपको शोएबल नहीं है तो आप जूम करके दिखा सकता हूँ, ठीक है, तो आप ये देख सकते हो, ठीक है, तो ये परफेक्टली डेटा जो आ रहा है, ये एज ये अभी भी फुटर है, ऐसा आप मत समझना, ये फुटर नहीं है, फुटर है ये, ठीक है, तो मैं अगर आपको एक बार के लिए जो है इसको हटा देता हूँ, ठीक है, एक बार के लिए जो कलर है वो हटा देता हूँ, ठीक है, तो मैं कलर हटा दिया है मैंने, ठीक है, ये हटाया नहीं, बस मैंने सफेद कलर दे दिया, ठीक है, व्हाइट कलर दे दिया, ठीक है, तो ये जो पार्ट है नीचे वाला, ये हमारा फूटर है, ठीक है, अब अगर देखना है कि फूटर कैसे है, ठीक है, तो वो भी आपको बता दूं, तो जैसे कि किया मैंने एक बार के लिए ऐसा करता हूँ, ठीक है, पहले तो ये इसको हटाओ, ठीक है, हटाई दो इसको, हटाई दो, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, ऐसा करता हूँ मैं इस फूटर को है ना यहाँ से कट कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे जस्ट यहाँ पे लिखता हूँ बॉडी क्लास, ठीक है। अभी जो हेडर है, और इस हेडर को मैं क्या करता हूँ, तो कट कर देता हूँ, ठीक है, और मैं इसको क्या करता हूँ बॉडी के बाद लिखता हूँ, ठीक है, ठीक है, और सेव भी कर देता हूँ। अब क्या होना चाहिए देखा जाए तो इसकी जो जो इसका जो सीरीज थी, सीरीज है, जैसे ये नीचे आ जाना चाहिए और ये ऊपर आ जाना चाहिए, लेकिन अभी देखना इसको अपन रिफ्रेश मारेंगे और इसके कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है, कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा ये वाली बात में, ठीक है। तो वही हम देख रहे हैं, ठीक है, तो यही हम देख रहे हैं, तो ये कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये बात हो रही है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं हम यहाँ पे टीडी और क्लोज टीडी कर देते हैं, ठीक है, ये करने से अच्छा है इसको हम ये कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये टोटल हो गया, अब टोटल दिखा रहा है, ये बार तो टोटल मार्क्स दिखा दिया, ठीक है, तो टोटल दिखा रहा है, तो ये बार ठीक ही है, ठीक है। और आप चाहो तो इसको एक कर सकते हो, ठीक है, तो हम क्या इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों क्या है, ठीक है, दो कॉलम है, वन और टू कॉलम है, तो आप कॉलम एक कर सकते हो, ठीक है, तो कॉल टू लिख दीजिए तो कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो इस आज जो हमारे जो जो टेबल के थे, ठीक है, सारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, तो हमने इनके बारे में देख चुके हैं, अलाइन बीजी कलर भी देख चुका हूँ, तो देख चुके हैं हम, ठीक है। तो आप इनको लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, फूटर पे, बॉडी पे, कहीं पे भी आप लगा सकते हो, आप इसका यूज जो सामने आप और जगह देखा वैसा ही इसका यूज होता है, आप खुद के भी करके देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और अगर आपको कोई भी किसी भी टैग में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है, तो आप अपने हमारे कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं, ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं। आपको जरूर वीडियो अगली मतलब कि जो कभी ना मतलब आपको वीडियो में या आपको हो सका तो जो कमेंट सेक्शंस में ही वहीं पे आप उसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।